कॉलेज को खोलने का था, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के द्वारा हम 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे थे। मैं जब निरीक्षण करने के लिए आया तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा हमारे हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं इसका ट्रोमा सेंटर भी कहीं नहीं है। और इसके बात करके मैंने उसमें एक 50 बेड का ट्रोमा सेंटर भी अब हमने ईएसआईसी अस्पताल में बनाने का निर्णय लिया। जहां तक नर्सिंग कॉलेज की बात है, कटोरा गांव के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम होता है। दूसरा ईएसआईसी का हरडा के अस्पताल का विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में 150 बेड का अस्पताल, उसके बाद 30 किलोमीटर पे आओगे तो मानेसर में मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ईएसआईसी का स्वीकृत कर दिया, उसका भी टेंडर हो गया। उससे आप आगे आओगे तो धारणा में 150 बेड का, उसके बाद फिर हमने भिवाड़ी में 150 बेड का, उसके बाद भी दो अस्पताल एक बहरोड में और एक नीमराणा में वो भी ईएसआईसी का हमने स्वीकृत कर दिया है और अलवर में फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया। अलवर वाले कहते भी थे कि सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल है, इसमें धारणा से नगर से लोग जाएंगे, इनकी क्या व्यवस्था करिए। तो रामे जी यहाँ पर बैठे हैं, पिछले एक साल पहले मैंने निर्देश दिया था तो हमारी बसें नियमित रूप से सारे मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अलवर मेडिकल कॉलेज के ईएसआईसी के अस्पताल में लेकर के जाने का काम किया। ये लेबर कोड का विषय आता है, लेकिन मुझे पता है धारणा के प्रदूषण के पानी का बड़ा विषय है। मैं बीच में धारणा गया था, बात भी करेंगी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोनों सरकारों से बात करके और धारणा के लोगों के साथ स्थानीय लोगों से बात करके हमारे एम्स की संघर्ष समिति के लोग कर्नल साहब जहां बैठे हैं लगातार दिल्ली मेरे पास आए, मनसुख मांडवे जी से मिले और आज हमें खुशी है कि ये सारा विषय आप लोगों के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे इलाके में होने जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि महासभा इस बात को शुरू करे, सफल होना ही जीवन में काफी नहीं होता है, सार्थक होना काफी होता है। सफल तो सफलता तो मिल जाती है, कई बार लॉटरी भी लोगों की खुल जाती है, लेकिन केवल पैसा आना सफलता होना ये किसी भी जीवन का श्रेय नहीं होता है। सार्थक होना जरूरी है। सार्थक होने का अर्थ है अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और अपने इलाके के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार।